कंफर्ट का आराम, डिस्क ब्रेक की सुरक्षा, अब बजाज प्लैटिना पर 2800 रुपए तक की बचत। भागलपुर अकबर नगर थाना क्षेत्र के पेट्रोल टंकी के समीप भागलपुर सुल्तानगंज NH-80 मुख मार्ग पर भवनाथपुर बगीचे के पास चार बाइक सवार अपराधियों ने खाद बीज व्यवसायी को गोली मारकर 25 लाख रुपए की लूट की बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों द्वारा आनन फानन में इलाज के लिए मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बीज व्यवसायी अनुज देव सिंह बरियारपुर फुलकियान मुंगेर निवासी के पुत्र 16 वर्षीय शिवम कुमार एक अन्य साथी के साथ बाइक पर सवार होकर 25 लाख रुपये मोटी रकम के साथ भवनाथपुर केनरा बैंक में रुपया जमा करने जा रहा था। इसी दौरान भवनाथपुर बगीचे के पास बाइक पर सवार चार अपराधियों ने हथियार के बल पर भय दिखाकर रोक लिया। वहीं मृतक शिवम के विरोध करने पर गोली मार दी और 25 लाख की मोटी रकम लेकर बाईपास सड़क की ओर फरार हो गया। घटनास्थल से एक लोडेड पिस्टल के साथ 12 गोली मैगजीन बरामद हुआ है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बीटी न्यूज बिहार के लिए भागलपुर से अजीत कुमार की रिपोर्ट। साथ में पैसा लेके बैंक जा रहे थे, थोड़ी दूर पेट्रोल टंकी के मतलब 200 मीटर आगे होंगे लगभग जा रहे थे हम लोग के पीछे कोई नहीं था उस समय। अचानक तीन बाइक आया, दो आगे से लगाया, ऐसे ब्लॉक कर दिया रास्ता। फिर हम लोग का गाड़ी रुका, उस पर शिवम पिस्टल सटा के पीछे से कह रहा था पैसा दो, पैसा शिवम नहीं दिए, सब शिवम नीचे उतर गए। इसके बाद पैसा खेत में फेंका, वो खेत में जो फेंका फिर शिवम भी नीचे उतर के पैसा फिर से पकड़ लिए। उसी बीच में जब तक हम बाइक से उतर के नीचे उतरे तब तक उसको गोली मार के वो पैसा झोला लेके निकल। कितने आदमी थे? तीन को तो हम देखे लेकिन चार थे, तीन बाइक था, चार आदमी था। पहचान थे किसी को? नहीं, सब गमछा और रुमाल लगाया हुआ था। इधर कहाँ पे गोली मारा है? इधर के तरफ, उधर बाईपास के तरफ। शुभम को गोली कहाँ पर लगाया? यहाँ एक गोली चलाया था। जी एक ही गोली चलाया था। तुम्हारा क्या नाम है भाई? अमन कुमार। तुम भी वहीं के रहने वाले हो? नहीं, हम रतनगंज। रतनगंज के? आप उनके साथ कब से उनको जानते थे? वो मेरा बिजनेस उनके पापा से चलते हैं ना, इसीलिए यहाँ आए थे। हम लोग गए हूँ लेने, संजोग से बोले बैंक चले जाओ, पीछे से पहले से वो हम लोग के पीछे पड़े होंगे। नाम क्या है तुम्हारा? नाम अमन कुमार। लाख रुपया लेके बैंक भेजा भाई, तो अमन कुमार चला रहा था। जब गाँव से बाहर निकला, बगीचा कर रहा था, वहाँ पर तीन बाइक पर चार बदमाश था, जो रिवाल्वर दिखा करके पैसा छीनना चाह, बच्चा पैसा नहीं दे रहा था, तो बच्चा गोली मार दिया। थोड़ा 25 लाख रुपया था लेकर के फिरार हो गया। कोई शक? मैं क्या बताऊँ शक के विषय में, मेरे साथ ही पिछले साल घटना घटा था। वह 19 नवंबर था, उस समय भी सीजन का समय था। मैं भागलपुर में उस समय रहता था, भागलपुर आ रहा था। 7:30 बजे की घटना थी। बाईपास के नज़दीक मेरा रिवाल्वर छुरी दिखा करके फायर करके पैसा लूट लिया। उस समय कितना रुपया? SP साहब, उस समय मैंने लिखाया था 6 लाख रुपया, और SP साहब बोले थे CT SP सरोज जी, पैसा आपका रिकवरी हो जाएगा, बदमाश पकड़ाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बदमाश का मनोबल बढ़ गया। मैं घटना सोच रहा था कि हो सकता फिर हो, इसलिए मैं सतर्क था, लेकिन ये नहीं सोच रहा था कि दिन में इसकी घटना घट जाएगी। दिन के 12 बजे इस तरह से घटना घट जाएगी, ये हमने सोचा नहीं था। कहाँ पर ये वो जो बगीचा है? भवनाथपुर बगीचा कहलाता है वो। घर से कितनी दूरी? आधा किलोमीटर होगा, आधा किलोमीटर बैंक था, 1 किलोमीटर वहाँ से बैंक की दूरी है, 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर होगा। कौन सा बैंक? भवनाथपुर में केनरा बैंक है, केनरा बैंक में मेरा CC है, वही जमा करने गया था। पैसा मोटा था, इसलिए सोचा कि अपना आदमी को जाना चाहिए। क्या नाम है उनका? वो जो उनके साथ जो थे वो मित्र था? मित्र, वो भी दुकानदार ही था। उसको भी कुछ हुआ है? नहीं, उसको कुछ नहीं हुआ।
वो अभी कहाँ? वो बोल रहा था कि शिवम दे दो पैसा, थैला दे दो, बच्चा था अपना, उसका मेरा पैसा है क्यों दे, गला पकड़े हुए था, गला छीन रहा था, उसको नहीं देता, दे रहा होगा, गोली मार दिया। कितने लोग थे बदमाश? चार बदमाश, तीन बाइक था। क्या नाम है इनका? पांचे बाइक था। शिवम कुमार, सुशांत कुमार शिवम। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनुदेव सिंह है।